नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। आपके स्क्रीन पर आपको एक टीम दिखा रहा हूँ। ये टीम रीवा में एक नया काम करने जा रही है। उसने फिल्म बनाई है जंतर। जंतर फिल्म जैसा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में तमाम तरीके की वो बातें जो किसी जमाने में हमारे देश में कही जाती थी, फिर चाहे उसको अंधविश्वास बोलिए, श्राप बोलिए, या जो भी आपको तय करना है वो बोलिए, तमाम कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं। असली कहानी जब आप फिल्म देखेंगे तो ही पता चलेगी। हालांकि फिल्म में काफी उतार चढ़ाव है जो मुझको बताया गया है। हालांकि फिल्म मैंने भी नहीं देखी, इंतजार है फिल्म के रिलीज का। कलाकार मौजूद है, मैं एक एक करके सबसे बात करूंगा। आपका नाम, फिल्म में क्या रोल है आपका, जरा संक्षेप में बताइए। और तांत्रिक जो है तंत्र विद्या कुछ नहीं होगा, कुछ किया नहीं है, लेकिन एक कहानी गढ़ी है किसी को मार के। और गांव वालों ने अफवाह कर रही है कि तंत्र जो जादू टोना कर दिया है, आया है, तो सब एक वो बनाने की कहानी होती है। जैसा देखते हैं हम लोग की सोवियत सफर मारा, उसमें नाक की छोटी ज्यादा, उसमें कलर आ जाता है, रेड कलर आ जाता है, उससे खून दिखाई देने लगता है। लोगों को लगता है आगे तो इसके अंदर से आत्मा निकली है, आत्मा निकली है। साफ तौर से जो मुख्य कलाकार वो कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं, अंधविश्वास को दूर करने के लिए हमारी टीम ने एक कहानी रची है। कहानी रची है इसका मतलब कुछ भी सत्य नहीं या सत्य है, ये तो तय करेंगे हम लोग जब फिल्म रिलीज होगी। लेकिन इनका जिस तरीके से कहना था, और भी कलाकार, सारे कलाकारों से मैं बात करूंगी। आपका नाम, फिल्म में आपका क्या नाम है और किस तरीके का रोल है? मेरा रोल इज टू आर्म पेरिसर्स करती टाइम या नो पॉज तो काफी अच्छा रोल था। रीवा में आपने फिल्म में काम किया। हम अभी तक महानगरों में ही देखा करते थे कि फिल्म बनती है, वहां पे कलाकारों को मौका मिलता है, तो क्या ये माना जाए कि ये एक प्लेटफॉर्म आपके फ्यूचर के लिए, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहें और एक अपना मुकाम हासिल करना चाहें तो इसके लिए क्या बेहतर है? बताइए नाम, बताइए क्योंकि बताइए मुझे और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस फिल्म में काम किए हैं। और हमारी कही है कि आगे भी कि हम फिर मैं काम करें, और बस कुछ यही बेहतर है कि सब लोग देखें फिल्म को और ढेर सारा सपोर्ट करें। ढेर सारा प्यार की जरूरत है। फिल्म तो हमने बना दी, सारे कलाकार लोकल लेवल के कलाकार है, रीवा शहर के कलाकार है, टेक्नीशियन से लेके तमाम जो भी रोल उसमें। बताइए जरा। मेरा नाम आफ्ताब है, मैंने ओवरऑल सॉफ्ट पर वीडियो की है, अगर ये जो मेरा इसका कैरेक्टर था फुलकर था, तो मेरे लिए बहुत न्यूली और बहुत चैलेंजिंग था, बहुत एक्साइटिंग वाला चीज, बहुत एक्साइटिंग वाला रोल था, एक बड़ी मजेदार फिल्म आई। जरा आप किनारे होंगे, ये और ये दो कैरेक्टर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हमारे ख्याल से डायरेक्टर के साथ इनकी कुछ ज्यादा ही मिली भगत होगी। जिस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, मैं आफ्ताब की जिक्र कर रहा हूँ। बताइए। मेरा नाम राहुल है और मैं इस पे सरपंचिता छुटारा बेटा छुटावा बेटा ना किया हूँ, और इस बात से खुशी हो रही है कि असलम भैया की वजह से मुझे इसमें काम करने को मिला है। बस असलम ने तो बहुत सारे कलाकारों को मौका दिया, मैं असलम से विस्तार से बात। मेरा नाम विनीत गौतम है, इस फिल्म में मैंने एक्टिंग नहीं किया है, शूटिंग मैनेजमेंट का कार्य मेरा था। पर्दे के पीछे अगर आप ना होते तो ये फिल्म ना बनती। हां बताइए। और डायरेक्टर असलम रजा, मैंने उनको असिस्ट किया है। असलम से मैं बात करूं उसके पहले आप बताइए जरा क्या मचा कर रहे हैं, और फिल्म डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है, सो रही है, फिल्मों में आ भी रही है, और अक्सर में देखा कि मतलब जो है मूवी बनाता है कि वो देखता है तेलुगु हो गई, उस वीडियो में सब दिखा रहा है, हमने एक शुरुआत की विंध्य प्रदेश से, कुछ अच्छा करे विंध्य प्रदेश से एक बड़ी शुरुआत। रीवा के कलाकार, रीवा के टेक्नीशियन, रीवा के डायरेक्टर, तमाम लोगों ने एक कहानी रच डाली। अब वो कहानी मुकम्मल हो गई है और पर्दे पर रिलीज होने की तैयारी में है। हमारे साथ, मैं अभी कलाकारों से बात कर रहा था,
इन कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म देने वाले पर्दे के पीछे से रहकर रीवा शहर में एक बड़ा कारनामा करने वाले जंतर के रूप में असलम हमारे साथ मौजूद है। मैं इससे बात करूँ, असलम कब से दिमाग में बात आई कि हमें एक फिल्म बनानी चाहिए? कहानी रची उसके बाद फिनिशिंग लेवल पे किया थी। लॉजिकल लगनी चाहिए हर चीज़, ऐसे नहीं कुछ भी चल रहा है। तो मेरे फिल्म को फिर अच्छा फिर सारे टीम बस थोड़ा ठीक है फिल्म फिल्म से थोड़ा आसानी बताई आने समझाई फिर उसके बाद फिल्म के पास आपने फिल्म में काम शुरू किया जिस तरीके से रीवा में इसके पहले फिल्म में नहीं बनती थी, तो टेक्नीशियन से लेके कलाकार तक जुटाने में और उनको मनचाहत कैरेक्टर देने में आपका मनचाहत काम जिससे निकल रहा है, कितनी परेशानियों का सामना कर पाओ? बहुत परेशानी उसको सामना पड़ा, फिजिकल चैलेंज कहें, फाइनेंशियल चैलेंज कहें, मेंटली चैलेंज कहें, तो तीनों रूप से हम लोग बहुत परेशान थे। फिल्म के टाइम पे लग रहा है कि हो सकता है ना बन पाए, पर हिम्मत नहीं आ रही। हमने फिल्म आखिर हमने बनाई कम्प्लीट की, क्योंकि एक दो बार मैंने फेल हम फेल हो गए। जब हम की कहानियाँ होती हैं, जब हम असफल होंगे तभी तो हम प्रयास करेंगे उससे बेहतर काम करके तभी ना तभी सफल होंगे। हालांकि अब आप सफल, आपने रीवा में वो कारनामा किया है जो आमतौर पर लोग सोचते ही रहे आपकी फिल्म को पीटी पर रिलीज हुई। मैं एक बार आपको ये स्क्रीन पर एक फिर से दिखाना चाहूंगा। ये कलाकार और इस कलाकार के जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ ने आपको पर्दे में दिखेंगे, कुछ पर्दे के पीछे दिखेंगे। हालांकि अभी भी यहाँ पर कुछ वैसे लोग भी मौजूद हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हमको भी शूट कर रहे हैं। हाँ, क्या कहते हम ये कह रहे थे कि जो फिल्म है ये सब रीवा वन को सूची का कि ये रीवा वालों ने बनाई है। ये जब हॉलीवुड बॉलीवुड है, बॉलीवुड में जो हॉरर फिल्म्स बनती है आप उसको देखिएगा, इसको देखिएगा, आपको कंपेरिजन जो VFX का काम होता है जो इंडस्ट्री में सबसे बड़ा है, जो बाहर से बाहर के लोग इंडिया में। मैं जानता हूँ मुझे असलम की कार्य क्षमता पर कतई शक नहीं है। ये अपने आप में सोचना ही बड़ी बात है कि हम छोटे से शहर में रहकर एक वो चीज सोचे जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग सोचते हैं या हॉलीवुड या बॉलीवुड के लोग जो सोचते हैं हम वो सोचते हैं। जैसा कि अभी कोई कह रहा था कि जब तेलुगु तमिल की भाषाओं में फिल्म रिलीज होती है सुपर डुपर हिट नहीं थी तो हम वो कारनामा क्यों नहीं कर सकते? रीवा में टैलेंट की कोई कमी नहीं पाई भी। असलम, जो आपको स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, जंतर को लेकर किस तरीके की अपील करना चाहेंगे, किस तरीके के समर्थन की आप मांग करते हैं? फिल्म को हम थिएटर पे रिलीज कर रहे हैं, जनता के सामने पहली बार ला रहे हैं जंतर को। 21 और 22 मई को रॉयल सिनेमा में रविवार को फिल्म का पहला स्क्रीनिंग है। किस वजह से हम रीवा की जनता, सीधी सपना की जनता से उम्मीद करते हैं कि हमारी ये फिल्म को देखने आए। हम बहुत मेहनत से नेक फिल्म बनाई है, थोड़ा बहुत भी प्यार दीजिए, जो खामियां हो हमको वो बताइए और जो भी हमें आगे दर सकेंगे उस पर भी हमें सपोर्ट करिए। और मैं रीवा के कुछ और जो सक्षम है पूंजीपतियों से अपील करना चाहूँगा कि जो थोड़ी बहुत भी मदद हो सके हमारे करें, क्योंकि फिल्म में हमने काफी पैसा लगाया। आपको मदद की अब जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से आपने जो फिल्म बनाई है आपने अपील भी की। बस न्यूज नेटवर्क टुडे भी अपने दर्शकों से अपील करता है, इस टीम की मेहनत देखने के लिए आपको थिएटर पे आना। अगर आप थिएटर में पहुंच गए तो ये माना जा सकता है कि इन्होंने जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया, पैसे अपने इकट्ठे किए, लोगों से उधार मांगे, मित्रों ने मदद की, वो उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप गर्व से कह सकेंगे हमारे विंध्य के, हमारे रीवा के, हमारे मध्य प्रदेश के लड़कों ने एक ऐसा कारनामा किया जो अभी तक हॉलीवुड या बॉलीवुड में ही दिखाई देता था। हम फिल्म की रिलीज पर भी थिएटर में मौजूद रहेंगे और जब लोग फिल्म देख के आप लोग निकलेंगे तो बात करेंगे फिल्म कैसी लगी, तभी समझ में आएगा इनकी असली मेहनत। आज के लिए इतना ही, अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।